आग का निकलना सबसे आखिरी अलामत। यमन के दारुल हुकूमत हजरे मौत की तरफ से एक आग निकलेंगी। यमन इलाका है, आपको पता है हजरे मौत वहां एक एरिया है जहां से ये आग निकलेंगी, जो तमाम लोगों को मुल्क शाम की तरफ हाक कर ले आएंगी, हकाल कर लेकर आएंगी। तिर्मिज़ी की रिवायत है, हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले हजरे मौत, ये बहरे हजरे मौत जो समंदरी इलाका है उसका, वहां से एक आग निकलेंगी जो लोगों को जमा करेंगी। सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन ने सवाल किया, इस वक्त के लिए आप हमें क्या हुक्म देते हैं अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग शाम में रिहाइश इख्तियार करना। मतलब तुम लोगों ने कहाँ पर रहना? शाम, सीरिया, क्योंकि यही सरजमीन है, हशर है। तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, यमन से आग निकलना कयामत की आखिरी निशानी होंगी। आग लोगों को घेर कर मैदान हश्र की तरफ हाँक ले जाएंगी, जो कि मुल्क शाम होगा। हदीस में वाज़े हैं कि जो रहेगा अपना हश्र का मैदान वो क्या रहेगा? मुल्क शाम यानी सीरिया। ये वजाहत के साथ हदीस में बयान किया गया है। ठीक है, इसको स्टॉप कीजिए।